पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली का शनिवार दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे अरुण जेटली 66 साल के थे। 9 अगस्त को सांस लेने में तकलीफ के बाद अरुण जेटली को एम्स में भर्ती करवाया गया था। अरुण जेटली का पार्थिव शरीर बीजेपी दफ्तर में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां पार्टी के सभी नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। निगम बोध घाट पर अरुण जेटली का अंतिम संस्कार किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को पार्टी मुख्यालय में श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पार्टी मुख्यालय में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी जेटली को पार्टी मुख्यालय में श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जेटली को पार्टी मुख्यालय जाकर पुष्प अर्पित किए। वहीं जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी उन्हें बीजेपी मुख्यालय में श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी दिवंगत पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को उनके घर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। राजनाथ सिंह ने जेटली के निधन पर कहा कि राष्ट्र उनके योगदान को कभी नहीं भूलेगा। वे पार्टी, सरकार और देश के लिए एक संपत्ति थे। वो अब भी हमारे साथ नहीं है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जेटली को उनके घर जाकर श्रद्धांजलि दी। बीजेपी के दिग्गज और वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अरुण जेटली को भी श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी अरुण जेटली के घर पहुंची, जहां उन्होंने श्रद्धांजलि देकर उनके परिवार का दुख बांटा। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी दिवंगत अरुण जेटली को श्रद्धांजलि दी। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी अरुण जेटली के घर पहुंचे और उनकी निधन पर उनके दुख जताया। प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनाए गए भूपेंद्र सिंह का स्वागत समारोह अरुण जेटली के निधन के चलते शोक सभा में बदल गया। स्वागत को लेकर महानगर में होने वाले सभी कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि अरुण जेटली के निधन से बीजेपी का हर कार्यकर्ता दुखी है। उन्होंने आगे कहा कि उनके जाने से पार्टी में जो जगह खाली हुई है उसे कोई नहीं भर सकता। ऐसे नेता कम ही होते हैं। उन्होंने पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने में विशेष भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनामा नेशनल स्टेडियम में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। बहरीन में अपने संबोधन के आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुंधे हुए गले से अरुण जेटली को याद किया। उन्होंने कहा, मैं गहरा दर्द दबाए हुए बैठा हूं। आज मेरा दोस्त अरुण चला गया। पीएम मोदी ने कहा कि जब सभी कृष्ण जन्मोत्सव मना रहे हैं उस समय मेरे भीतर एक शोक है। उन्होंने कहा कि छात्र जीवन से जिस दोस्त के साथ सार्वजनिक जीवन का एक के बाद एक कदम मिलाकर ये लोग चले,
वो दोस्त अरुण जेटली ने आज ही अपना देह छोड़ दिया। इसी के चलते बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग ने भी अपने दफ्तर में स्वर्गीय अरुण जेटली को श्रद्धांजलि दी। तरुण चुग ने कहा कि उनके लिए बेहद ही दुखद समाचार है। अरुण जेटली ने बीजेपी को फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम किया। बीजेपी को जो व्यक्तिगत घाटा हुआ है, भगवान उसे पूरा करने की ताकत दे। यूएई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अबुधाबी के अमीरात पैलेस में 1 किलो लड्डू खरीदने के लिए अपने रुपे कार्ड को स्वाइप किया। मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात में मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड के समकक्ष रुपे कार्ड लॉन्च किया। मध्य पूर्व में संयुक्त अरब अमीरात पहला ऐसा देश है जहां रुपे कार्ड की शुरुआत की गई है। इस लॉन्चिंग के दौरान मोदी ने अपने रुपे कार्ड का उपयोग कर यहां स्थापित एक मॉक 56 भोग अबू धाबी आउटलेट से लड्डू खरीदे। पीएम इन लड्डू को मंदिर के लिए प्रसाद के तौर पर बहरीन ले गए। पीएम मोदी बहरीन के मनामा से फिर फ्रांस के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हो सकती है। संभव है कि इसमें मोदी और ट्रंप के बीच कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा हो। सात मुल्कों के इस समूह की बैठक में भारत विशेष आमंत्रित सदस्य है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती और ट्रेड वॉर को लेकर बढ़ती चिंता के कारण भी आज दुनिया की नजर इस बैठक पर है। पीएम मोदी ने रविवार को अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कई अहम विषयों पर बात की। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद किया। साथ ही स्वच्छता अभियान, फिट इंडिया समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। मन की बात में पीएम ने कहा, आज भारत एक और बड़े उत्सव की तैयारी में जुटा है और वे महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। हमीरपुर विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर विधानसभा में विधायक निधि से विभिन्न विकास कार्यों पर 65,60,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। हमीरपुर के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है और प्रदेश सरकार हर वर्ग को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने बताया कि प्राथमिकता के आधार पर यह राशि उन्होंने अपनी विधायक निधि की पहली किश्त से स्वीकृत की है। पंचायतों को विधायक निधि नहीं जारी हुई है, उन्हें दूसरी किश्त से जारी कर दी जाएगी और उन्होंने आशा व्यक्त की कि इससे हमीरपुर विधानसभा में विकास कार्यों में गति प्रदान होगी। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है और इसी के चलते हमीरपुर जिला भर में SMC सदस्य, पंचायत प्रतिनिधि और महिला मंडलों के सदस्यों की टीम तैयार की जा रही है, जो कि जिले भर के स्कूलों में जाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए काम करेंगे। इसी के चलते हमीरपुर बाल स्कूल परिसर में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दौरान SMC पंचायत प्रतिनिधियों और महिला मंडल सदस्यों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। शिविर के प्रशिक्षक अशोक सिंह ने बताया कि 30 सितंबर तक पूरे जिले के 6 शिक्षा खंडों में प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि एक परफेक्ट टीम तैयार की जा सके। पतंजलि आयुर्वेद के सीईओ बालकृष्ण की तबीयत खराब होने के बाद शुक्रवार को उन्हें उत्तराखंड के ऋषिकेश स्थित एम्स में भर्ती करवाया गया था, वहीं अब उन्हें ऋषिकेश एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया है। बताया जा रहा था कि बालकृष्ण पेड़ा खाने के बाद बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था।
वहीं बाबा रामदेव ने आचार्य बालकृष्ण के स्वास्थ्य के लिए चिंता जताने वाले करोड़ों लोगों का आभार जताते हुए कहा कि जन्माष्टमी पर एक व्यक्ति मीठा लेकर आया था जिसे खाने के बाद बेहोश हो गए। हालांकि अब स्थिति सामान्य हो रही है। बुलंदशहर में कुछ लोगों ने एक युवक को बच्चा चोर समझकर उसकी पिटाई कर दी और युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक युवक एक बच्चे को चॉकलेट दिलाने के लिए कह रहा था, तभी स्थानीय लोगों ने युवक की धुनाई कर दी। लक्सर में किसान सहकारी समिति का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक कर्मचारी गल्ले से पैसे निकालकर अपनी जेब में रखता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि समिति में पहले भी गबन का मामला सामने आ चुका है, हालांकि अब तक किसी भी कर्मचारी या अधिकारी की ओर से पुलिस को शिकायत नहीं दी गई है। समिति के सचिव ने भी मामले में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। उधर पथवी थाना अध्यक्ष ने भी इस संबंध में किसी प्रकार की कोई शिकायत न आने की बात कही है। अलीगढ़ आबकारी टीम और पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब टीम ने चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से करीब 140 पेटी शराब बरामद की जिसकी कीमत 11 लाख बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने एक आरोपी चालक को मौके से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। चंदौली के सैयद राजा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 में सरकारी धन का जमकर दुरुपयोग हो रहा है। आरोप है लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी मनमाने ढंग से काम कराकर सरकारी धन पर डाका डाला जा रहा है। पंद्रह दिन पहले बने नाले की दीवार को हाथ से ही बच्चे तोड़ दे रहे हैं, इससे नाराज लोगों ने घटिया निर्माण कार्य को रोक दिया। नगरवासियों ने नाले के निर्माण कार्य को लेकर जिलाधिकारी से गुहार लगाई। उन्होंने मामले से अवगत कराकर जांच कराने की मांग की है। मुरादाबाद में 2 घंटे की बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। जल निकासी न होने के कारण महानगर में जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। जलमग्न होने का मुख्य कारण नालों की सफाई समय पर ना होना है। मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी घोषित हुए काफी वक्त बीत गया है, लेकिन हालत बद से बदतर है। रायबरेली का भोजपुर पूरे पांडे मार्ग बदहाली के आंसू बहा रहा है, जो कई गांवों को जोड़ता है, जिसको लेकर ग्रामीण और क्षेत्रीय लोग काफी परेशान हैं। सड़क पर भोजपुर चौराहे पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। सड़क को देखकर ये बताना मुश्किल है कि सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क। ग्रामीणों ने प्रशासन से संपर्क मार्ग का तत्काल निर्माण कराए जाने की मांग की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई तेज बारिश ने सभी जलाशयों को लबालब कर दिया, तो वहीं कई सड़कों पर जलभराव की स्थिति हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को भोपाल में एक ही दिन में 42 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। दरअसल शुक्रवार शाम में बारिश का जो दौर शुरू हुआ शनिवार शाम तक चलता रहा। लगातार बारिश से भोपाल के तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के 37 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। श्रावस्ती के राजवीरपुरा गौड्रा में दीवार के नीचे दबने से 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 1 बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल बच्चे जन्माष्टमी का प्रसाद लेकर घर आ रहे थे, तभी बच्चों पर अचानक से कच्ची दीवार गिर गई। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को निकाला। लाहौल में फंसे यात्रियों के लिए कोकसर पंचायत ने लंगर लगाया। दरअसल पागल नाला और तेलिंग नाला के खराब होने के बाद घाटी में फंसे यात्रियों ट्रक ड्राइवरों के लिए लंगर लगाया गया। यहां सुबह से शाम तक यात्रियों और गरीब कामगारों को खाना खिलाया गया। गौरतलब है कि घाटी के पागल नाला और तेलिंग नाला के नजदीक ढाबा नहीं होने से मुसाफिर भूखे प्यासे कोकसर सिस्सू पहुंच रहे थे।
कई प्रवासी मजदूर कामगार आर्थिक परेशानियों से भी जूझ रहे थे और कुछ कामगार ने बताया कि इनके पास खाने के लिए भी राशि नहीं है। बागपत में शुक्रवार रात श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की झांकी देखकर पति के साथ घर लौट रही महिला के साथ विशेष संप्रदाय के युवकों ने छेड़छाड़ की। छेड़छाड़ का विरोध करने पर करीब 10 युवकों ने महिला और उसके पति के साथ लाठी डंडों से मारपीट कर दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुजफ्फरनगर के एक डिग्री कॉलेज में कुछ छात्रों ने छात्र नेता को कमरे में बंद कर तमंचे के बल पर काफी माफी मंगवाने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें छात्र नेता से जाति विशेष के बारे में भी अभद्र टिप्पणी को लेकर माफी मंगवाई जा रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जिसे लेकर छात्र संघ में रोष व्याप्त है। इसकी शिकायत पीड़ित छात्र ने पुलिस से की है। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। नाव के पूर्वा क्षेत्र के कुदिकापुर में बच्चा चोरी के शक में ग्रामीणों में एक महिला की यहां पर ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। ग्रामीणों ने महिला को पीट पीट कर घायल कर दिया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी महिला को हिरासत में लिया गया। बीती रात बल्लभगढ़ से सटे पृथला में अज्ञात चोर ओबीसी बैंक का नोटों से भरा एटीएम उखाड़ ले गए। चोरों ने न केवल एटीएम के शटर के ताले तोड़े बल्कि वहां के शीशे भी तोड़ दिए और पूरी की पूरी एटीएम मशीन ही उखाड़ ले गए। सुबह जब घटना का पता गांव वालों को चला तो उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर जायजा ले रही है। के मुताबिक पुलिस को रास्ते में दो रॉड भी मिली है, जो शायद एटीएम उखाड़ने के लिए इस्तेमाल की गई थी। फिलहाल जांच जारी है। इधर पुलिस ने एटीएम चोर व हैकिंग गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और कुछ नकद भी इनके पास से बरामद हुए हैं। पुलिस रिमांड के बाद आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपित नसीम ने दर्जनों एटीएम चोरी व हैकिंग की वारदातें कबूली हैं। वाहन चोरी निरोधक दस्ते टीम के इंचार्ज मोहम्मद इलियास के मुताबिक बृहस्पतिवार को वाहन चोर निरोधक दस्ते की टीम की सूचना मिली कि दो युवक एटीएम हैकिंग की योजना बना रहे हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने इन्हें पकड़ा है। उधम सिंह नगर के चौकी इंचार्ज संदीप पिलखवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एसआई दो महिलाओं के सामने अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए हंगामा करते हुए कैद हुआ है। एसआई महिलाओं को वर्दी फाड़ने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की धमकी भी देता नजर आ रहा है। महिलाओं को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देता एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सीईओ बाजपुर कमला बिष्ट का कहना है कि फिलहाल महिलाओं पर मामला दर्ज किया गया है, लेकिन गिरफ्तारी अभी नहीं होगी क्योंकि पहले जांच होगी, उसके बाद किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। राजगढ़ के जीरापुर थाने में एक मामला सामने आया है, जिसमें आवास कॉलोनी में एक युवक के कमर में पिस्टल फंसाकर बोरी कंधे पर डालकर घूम रहा था। वीर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस ने उसके कब्जे से एक देसी पिस्टल कारतूस जब्त किए हैं। हमीरपुर के दौड़ी देवी क्षेत्र में बंदरों का आतंक देखने को मिल रहा है, जिससे ग्रामीण परेशान है। ताजा मामला प्राइवेट स्कूल का है, जहां बंदरों ने महिला कर्मी पर हमला कर दिया।
बड़ी मुश्किल से बंदरों के हमले से महिला ने अपनी जान बचाई। सारी घटना स्कूल के कैमरे में कैद हो गई है। स्कूल के अध्यापक का कहना है कि स्कूल के आसपास बंदरों के आतंक से लोग परेशान हैं। उन्होंने मांग की है कि बंदरों के आतंक से छुटकारा दिलाने के लिए प्रशासन जल्द कोई कदम उठाए। झज्जर का पैरा स्विमर देश का नाम ऊंचा करने जा रहा है। दुबलधन गांव से 25 साल का मंजीत दो बार इंग्लिश चैनल को पार करने वाला है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच बहने वाले 36 किलोमीटर लंबे इंग्लिश चैनल को पार करने वाला मंजीत देश का पहला पैरा स्विमर है। बहादुरगढ़ के श्री गोरखनाथ सेवा संस्थान ने मंजीत को स्विमिंग किट देकर सम्मानित किया है। मंजीत पहले टीम के साथ मिलकर 36 किलोमीटर लंबा इंग्लिश चैनल पार करेगा और उसके बाद सितंबर माह में अकेले ही तैरकर इंग्लिश चैनल पर भारतीय झंडा फहराएगा। टीवी के सबसे कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 13 का टीजर रिलीज कर दिया गया है। टीजर में सलमान खान स्टेशन मास्टर के रोल में नजर आ रहे हैं। इसके पहले कलर्स ने ट्विटर पर बिग बॉस 13 का एक फोटो शेयर किया था। अब सोशल मीडिया पर शो का टीजर जारी कर दिया गया है। शो कब से शुरू होगा इस बात की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन टीजर में सलमान खान ने शो से जुड़े दो अहम राज खोले हैं। टीजर में सलमान खान तेज रफ्तार से चलती ट्रेन में नजर आ रहे हैं। ट्रेन की रफ्तार ये बता रही है कि शो इस बार जबरदस्त ट्विस्ट से भरा होगा। आम जनता के साथ साथ बॉलीवुड के स्टार्स ने भी जन्माष्टमी को अपने अंदाज में सेलिब्रेट किया। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने भी इस मौके पर वीडियो यहां पर शेयर किया है। वीडियो में उनके बेटे व्यान दही हांडी फोड़ रहे हैं। वीडियो में शिल्पा व्यान का हौसला बढ़ाती नजर आ रही है। शिल्पा के पति राज कुंद्रा भी इस वीडियो में देखे जा सकते हैं। शिल्पा के घर में जन्माष्टमी मनाने का नियम सालों से चला आ रहा है और उन्होंने इस साल भी इसे धूमधाम से मनाया। जन्माष्टमी के खास मौके पर आमिर खान का एक वीडियो देखने को मिला जिसमें बेटे के साथ दही हांडी फोड़ते नजर आ रहे हैं। आमिर ने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में बेटा आजाद पापा आमिर की पीठ पर चढ़कर दही हांडी तोड़ते दिख रहे हैं। वहीं आमिर की पत्नी किरण राव मोबाइल से वीडियो बना रही है। आमिर ने इसकी एक तस्वीर भी इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है जिसमें बेटे आजाद उनके पीठ पर चढ़े हुए हैं।